अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, जहाँ ज़ेब आपका होस्ट, आपका दोस्त एक मरतबा फिर कैमरे के सामने। होम अप्लाइंसेस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये वीडियो हमारी एंड नवंबर में हम लोग ये शूट कर रहे हैं और आगे जो है सीज़न जो है वो सारा का सारा हीटर्स वाला गरमाइश इंसान को चाहिए। उसमें हम आपके लिए कोई दो तीन किस्म की वैरायटी लेके आए हैं जो कि होम अप्लाइंसेस जो है स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आए। इसकी हम लोग सेल भी लगाएंगे, वीडियो को आखिर दम तक देखिएगा। इसमें हम थोड़ी सी लोड की का कैलकुलेशंस भी आपको थोड़ी सी बताएंगे कि हम किस तरीके से अपनी पावर को सेव कर सकते हैं हीटर के मुताबिक। और बिजली का हीटर यकीन माने तो इतना महंगा नहीं पड़ता। इस वीडियो को साथ रहिए। जो बॉक्सेस हैं वो कैमरे के सामने आए हुए हैं और एक्चुअल प्रोडक्ट भी हम लोगों ने फर्दर आकर डिस्प्ले की हुई है। वाइट कलर में जी ये हीटर है। इसमें रिसाइकल मटेरियल भी शामिल है, फ्रेश प्लास्टिक भी शामिल है और एक लेटेस्ट डिज़ाइन जो है कि गोल सा जो हीटर आप देख रहे हैं सिनबो कंपनी का, वो भी इसके अंदर है। इसमें तमाम जितनी भी प्रोटेक्शंस हैं वो इसके अंदर लगी हुई हैं। लेट्स सपोज अगर ये हीटर जो है चलते हुए में गिर जाता है या बच्चे का हाथ लग जाता है तो इसके नीचे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जो इसको उसी वक्त ऑफ कर देगा, और वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये सामने ये कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये जैसे ही हम इसको ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो ये लिमिट स्विच इसमें इस तरीके से प्रेस हो जाता है और गिरने की सूरत में ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है और ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसमें जो है इसको बेसिकली फिश हीटर कहते हैं, ये जो सामने ये जो दोनों आप देख रहे हैं। और इसमें 200 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट के रॉड्स हैं जो कि एक कमरा, अगर एक आपका छोटा कमरा है या अगर हम आगे बैठे हुए हीटर के तो उसमें ये हम इसमें इसको चला सकते हैं। और इसकी दो तीन जो हैं वो स्पीड्स हैं। फर्स्ट स्पीड में ये जो है 250 वॉट्स लेगा और फिर उसके बाद आगे फर्दर ये अपना जैसे जैसे हीटिंग सिस्टम हम इसको बढ़ाएंगे तो ये आगे और इसको जो है उस बिजली की कंजप्शन मिलेगा। अच्छा, इसकी बैक के ऊपर जो आप ये सिल्वर की जाली बैक के ऊपर जो प्लेट देख रहे हैं, ये बेसिकली लगाई गई है ताकि इसकी इसमें जो हीट है वो हम कम वॉटेज इनपुट ले के मैक्सिमम हम लोग आउटपुट दे सकें। अच्छा, ये जो गोल सा हीटर है ये हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये गोल सा, इसमें एरोकेटेड शीट जो है वो एल्युमिनियम की इसमें लगाई गई है। एल्युमिनियम में ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म होता है और सरफेस एरिया इसका बढ़ा दिया गया है एरोकेशन की वजह से और ये मैक्सिमम आउटपुट जो है ये बाहर की तरफ देता है। अच्छा, और अगर किसी बच्चे का इस जाली के ऊपर हाथ लग भी जाए तो वो इसको बर्न नहीं करेगा। अच्छा, मैं इस हीटर को ऑन करता हूँ और देखें कि ये बिल्कुल एक बल्ब नुमा की आपको रोशनी सी देगा और फिर हम इसकी पावर का भी अंदाज़ा लगाते हैं। ये देखिए जी, ये सेकंड है, मैं इसको ये ऑन कर लेता हूँ और ये उसी वक्त ऑन हो गया। अच्छा, और जो ये पावर ले रहा है ये एक हम लोगों ने एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, ये देखिएगा जी, ये 1.28, ठीक है जी। और इस 1.28 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जी सामने कैलकुलेटर आ गया, 1.28 मल्टीप्लाई हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो आते हैं 220, इसको इक्वल करते हैं तो ये 280 281 यूनिट जो हैं, सॉरी ये जो वॉट है ये ले रहा, जो कि एक ज़्यादा नहीं है और इसकी जो हीट है वो भी अच्छी खासी हीट है। अच्छा, अगर हम इसको वन पे कर देते हैं तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चला जाएगा हीटर और जाहिर सी बात है वोल्टेज के अंदर भी चेंज आएगा। ये देखें, और ये 2 एम्पेयर है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 220 से तो ऑलमोस्ट 450 वॉट बनते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज्यादा वॉटेज है। ठीक है, इसको हम ऑफ करते हैं और ये देखें साथ ही ये जीरो पे चला गया। तो ये एरोकेटेड शीट जो है इसकी हीट को भी मल्टीप्लाई करी और मैंने हीटर भी इसको बंद कर दिया, अगेन इसमें अभी भी हीट जो है ना वो बाहर की तरफ डिस्पर्स हो रही है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो सेकंड हीटर है इसको भी ऑन करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि हम इसको आगे फर्दर आपको और भी दिखा सकें। अच्छा, इसकी हम ना होम अप्लाइंसेस की सेल लगाने जा रहे हैं,
लेकिन प्राइसेस जो हैं वो ऑन कॉल अगर आप पूछ लेंगे तो बेहतर रहेगा। अक्सर लोग फिर कहते हैं कि जो है ना, ये देखें जी, ये हमने चला दिया एक स्पीड के ऊपर और ये 2.9 एम्पेयर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 एम्पेयर ले रहा है, और ये ऑफ हो गया। ये ऑन हो गया, ठीक है। ये अभी इसका एक रॉड ऑन हुआ है और एक रॉड में इसने 1.5 एम्पेयर लिए। अब 1.5 एम्पेयर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 220 से, तो 330 वाट बनता है। 300 वाट कुछ भी नहीं है, यानी कि इवन मैं तो इसको वैसे बेहतर समझूंगा कि गैस के मुकाबले में ये फिर भी कम खर्चा आपका कर रहा है, इवन एलपीजी जो है, ठीक है। ये होम अप्लायंसेस स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया, इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरीज के ऑप्शंस भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। और अच्छा, याद रहे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो हीटर की प्राइस है ये 900 रुपये से स्टार्ट हो रही है, 1,000 रुपये में भी है, 1,200 रुपये में भी है, और अप टू 2,000 रुपये तक ये रॉड वाला हीटर जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों का ये रॉड्स वगैरह टूट जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए, इजीली मार्केट में ये मिल जाते हैं। इवन अगर आप हमें कहेंगे, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दें, इसमें फर्दर कोई भी चीज़ ऐसे पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिक्चर्स मंगवा सकते हैं, और ये आपके डोर स्टेप पे आप लोगों को मिलेंगे। और अगर होम अप्लाइंसेस को विजिट करते हैं तो हमारे पास चाय कावा पीना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।